हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेस्टी लाइफ में। आज मैं आपके लिए चावल के आटे से बना बहुत ही आसान और क्विक डोसा रेसिपी लेकर आई हूँ। सुबह के नाश्ते में आप इस क्रिस्पी और टेस्टी डोसे को केवल 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। इस डोसे के साथ खाने के लिए साथ में ही हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्विक चटनी, जिसे आप डोसे के साथ खाएंगे तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चावल के आटे का डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा लिया है। चावल का आटा आपको बहुत आसानी से किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में मिल जाता है, पर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कच्चे चावल को 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, उसके बाद उसे पीसकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब डोसे को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 छोटी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को आप बिल्कुल बारीक कट करके ही डालें। साथ में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 4 से 5 बारीक कट किए हुए करी पत्ते, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 छोटी चम्मच साबुत जीरा और 1/2 छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार। अब इसमें पानी डालकर हम इसका बैटर बनाएंगे। तो जिस कप से हमने चावल लिया था उसी कप से मेजर कर हम इसमें 2 गुना पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी 1 कप पानी लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक बार में सारा पानी डाल देंगे तो बैटर में लम्ब्स बन सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो 1 कप पानी मैंने डाल दिया है, ये मैंने 2 कप पानी लिया है, ये भी हम इसमें पूरा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। तो 1 कप चावल के आटे के लिए हम उसमें डबल यानी कि 2 कप पानी ऐड करेंगे और इस तरीके से एक पतला रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेंगे। अब इस बैटर को हम ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो चलिए, जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है, हम डोसे के साथ खाने के लिए फटाफट से एक मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मिक्सर जार में हम डाल देंगे 1/4 कप नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप सूखे नारियल को भी ग्रेट कर डाल सकते हैं। साथ में डाल देंगे 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली, इसे मैंने पैन में ड्राई रोस्ट कर इसका छिलका निकाल लिया था। 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से कट करके डाला है, 1 इंच रफली कट किया हुआ अदरक का टुकड़ा, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप दही। दही डालने से चटनी का कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर जो दही मैंने यूज़ किया है वो थोड़ा खट्टा है, इसलिए मैंने नींबू का रस नहीं डाला है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो एक बार ग्राइंड करने के बाद ये कुछ ऐसी लगेगी, तो हम इसमें 1/4 कप पानी डालकर इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो एक बार में आप बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो चटनी पतली हो सकती है। तो इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। चटनी की कंसिस्टेंसी आपको जैसी भी पसंद हो, गाढ़ी या पतली, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। चटनी को हम एक बोल में निकाल लेंगे और अब इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस पर हम एक तड़का लगाएंगे। तो गैस पर मैंने एक तड़के वाला पैन रख दिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच राई, साथ में डाल देंगे 1 लाल मिर्च जिसे मैंने बीच से तोड़ कर डाला है और लास्ट में डाल देंगे 6 से 7 करी पत्ते। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इस तड़के को फटाफट से डाल देंगे हम चटनी के ऊपर। तो डोसे के साथ खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार है। इधर डोसे के बैटर को भी रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बैटर बिल्कुल पतला, ऐसी रनिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब हम डोसा बनाने के लिए गैस पर तवा चढ़ा देंगे और मीडियम फ्लेम पर तवे को अच्छे से गर्म करेंगे। तो इस डोसे को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो तवे पर ऑयल लगा देंगे और इसे अच्छा धुआं निकलने तक गर्म कर लेंगे। तो तवा काफ़ी अच्छा गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर कर देंगे और अब इस बैटर को तवे पर डालने से पहले आप बैटर को इस तरीके से अच्छे से चला लें, क्योंकि चावल का आटा नीचे बैठ जाता है। अब बैटर को करछी में भरकर इसे साइड से फैलाते हुए हम सेंटर की तरफ लाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैटर को तवे पर डालते ही उस पर जालियां पड़ रही हैं। तो ये तभी होगा जब तवा अच्छे से गर्म हो। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बैटर को तवे पर डालें तो वो काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमें डोसे को अच्छा क्रिस्पी होने तक पकाना है। ऊपर की साइड से ये ड्राई हो गया है तो इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो डोसे को पकते हुए करीब 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हल्का सा ब्राउन दिख रहा है। तो बस इसे हम पलट देंगे
और पलट के दूसरी साइड से भी हम इसे एक मिनट के लिए पका लेंगे। तो दूसरी साइड से भी मैंने इसे एक मिनट के लिए पका लिया है। काफ़ी अच्छा कलर आया है, काफ़ी क्रिस्पी बना है। तो एक डोसा बनके तैयार है और इसी तरीके से हम बाकी के डोसे भी बना के तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको एक और डोसा बना के दिखा रही हूँ। तो तवे को अच्छे से ग्रीस कर लें और बैटर को तवे पर डालने से पहले उसे अच्छे से चला लें। और अब बैटर को करछी में भरकर उसे साइड से फैलाते हुए हम सेंटर की तरफ लेकर आएंगे, इस तरीके से। तो बस बैटर को हमें इसी तरीके से खाली जगह पे डालते हुए गोल गोल फैलाते जाना है। अब हम डोसे को मीडियम फ्लेम पर अच्छा क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। ऊपर की साइड से ड्राई हो गया है, इस पर हम ऑयल लगा देंगे। अब डोसे को सिकते हुए करीब 2 मिनट हो गए हैं और ये साइड से ब्राउन हो गया है, तो बस इसे पलट कर हम 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो दूसरा डोसा भी बनके तैयार है। इसी तरीके से हम सारे डोसे बना के तैयार कर लेंगे। आप सुन सकते हैं कि ये डोसे कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो तैयार है बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और फटाफट से बनने वाला चावल के आटे का डोसा। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें चटनी के साथ। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस इंस्टेंट चावल के आटे के डोसे को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेस्टी लाइफ।